शैला किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। तो आज मैं सुक्का चिकन बनाने जा रही हूँ, तो चलो ये शुरू करते हैं। अभी गैस चालू कर दीजिए, फिर कढ़ाई रख दीजिए। सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद प्याज डालेंगे। प्याज को लाल होने तक भुनेंगे। प्याज को अच्छे से भुने। प्याज भुन चुका है, अभी अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। आप पकने तक अच्छे से भुनेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भून चुका है, अब लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और अच्छे से भुनेंगे। अब मसाला भून चुका है, अब चिकन डालेंगे। चिकन को भी मसाले के साथ भून लेना है। अब इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और किचन किंग मसाला डालेंगे। अब ये सब चीजें को अच्छे से भुनेंगे। अब नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। और चिकन को अच्छे से मिलाएंगे। ढक्कन लगा के धीमी आंच पर पकाए। ढक्कन को निकालिए और चिकन को अच्छे से भूनिए। चिकन पका है कि नहीं देखिए। चिकन पक चुका है, अब सर्विंग बाउल में निकालते। गरम गरम चावल के साथ, रोटी के साथ परोसी। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से डालिए और सर्व कीजिए। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।